मोदी सरकार को केंद्र में करीब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में उसके साथी दल ही उनकी मुसीबत बनते जा रहे हैं। हाल में मोदी सरकार से अलग हुई चंद्रबाबू नायडू की TDP सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा न मिलने से नाराज होकर NDA से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले BJP कोटे के मंत्रियों ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया और TDP के मंत्रियों ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया। TDP अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने देर शाम पोलित ब्यूरो की बैठक बुलाई, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया। TDP शुक्रवार या सोमवार को ये प्रस्ताव पेश कर सकती है। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आंध्रा के साथ सही बर्ताव नहीं किया और उनके साथ किए गए वादे को भी नहीं निभाया। वहीं आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस ने भी शुक्रवार को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा महासचिव को नोटिस दिया है। YSR कांग्रेस के 6 सांसद हैं। जाहिर है कि TDP YSR के प्रस्ताव को समर्थन दे सकती है। TDP के लोकसभा में 16 सांसद हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के लिए TDP कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों से भी बात कर रही है। वहीं ममता बनर्जी की TMC ने TDP के प्रस्ताव के समर्थन का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश को बचाने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।